सामने के स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो वेब डिज़ाइनिंग में हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है पाइथन, जिसका वर्जन हम लोग 3.9.0 इंस्टॉल करने लगे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जब इंस्टॉलेशन करने लगे थे तो विंडोज़ ने 8.1 की रिक्वायरमेंट की थी। तो अभी आप देख पाए तो लिखा रहा है विंडोज़ 8.1 प्रो। ये मैंने सिस्टम में इस पर विंडो इंस्टॉल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ मैं चेक करवाने के लिए। आपको 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वक्त मेरे पास, और AMD मेरे पास इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, और रैम इसकी 4GB है जी। इसी में इंस्टॉलेशन करने लगा हूँ अभी। डाउनलोडिंग हमने लास्ट टाइम करना सीख लिया था, आज जस्ट इंस्टॉलेशन करते हैं। और सेकेंडली ये देखिएगा मेरे साथ, इस वक्त नेट मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, इंटरनेट को कनेक्टिविटी है, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ मैं इसको, ताकि इसको मैं ओपन करके इसमें अपनी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट कर सकूँ। अभी कोई मैसेज आएगा उसे हमने कर लेना है यस, ताकि एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ऊपर ये मेरे सामने एक मैसेज आया है, जो मैं भी आपको नज़र ना आया हो तो इसे मैं यस कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैंने पहले ही देखा ये मैसेज जो इस तरह अपेयर होता है वो पॉपअप से वो नज़र नहीं आ पाता जी। अगर आया तो वेरी गुड, मैंने इसे यस किया। अब ये अपने पास अभी ये डाउनलोडिंग मतलब के इंस्टॉलिंग होनी भी स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ बातें ये भी क्लियर करता चलो आप लोगों के साथ में। हम लोग पाइथन सीखने लगे हैं और इंस्टॉलेशन के लिए 3.9.0 64-bit आपने इसके ऐड पाथ पे क्लिक कर देना एक तो, और सेकेंडली ये इसका कस्टमाइज़ भी आ रहा होता है यहाँ पे, सब पे टिक है तो ये टिक लगे होने चाहिए। जैसे बैक कर रहा हूँ जस्ट मैं, और मैं कहता हूँ जी इंस्टॉल नाउ कि इसको इंस्टॉल कर दें। कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से आके इसके नेक्स्ट में जाके इसका पाथ यहाँ सेट किया जाता है, वो भी मैनुअली कर सकते हैं जाकर के सी ड्राइव में जाके, यहाँ से डायरेक्ट पाइथन नाम का एक फोल्डर हो और ये डायरेक्टली उसी में जाके इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाए। तो आप ये वाला काम भी इस तरह कर सकते हैं। मैं अब इसमें आगे कर देता हूँ इंस्टॉल, तब भी ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे, वैसे भी करोगे काम तब भी हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट सी में आप फोल्डर अपनी फाइलों वाला बनाना चाहते हो तो तब भी ये काम करेगा। पाइथन बेतहाशा बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें वेब डिवेलपमेंट भी है, सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट भी है, और ये मुश्किल को इंशाल्लाह आसान करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको इसको इतना को आसान कर दूंगा जैसे कि MS Word, Excel में छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर सीखते हैं, उस लेवल तक का इंशाल्लाह इसको मैं काम करके आपके लिए पहुंचा दूंगा ये वाला। अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, मैं एक काम कर लेता हूँ, वीडियो स्टॉप करता हूँ ताकि प्रोसेसिंग ये वाले ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। जैसे इसके लास्ट पॉइंट पर आएगा वीडियो को मैं एक्टिवेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। हाँ जी, ऑलमोस्ट अपने पास जो इंस्टॉलेशन है सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है, सेटअप वॉज सक्सेसफुली लिखा आ चुका है मुझे। ऑलमोस्ट तकरीबन मुझे लगे मिनट को 3 मिनट्स लगे हैं इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते होते। अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट इसकी हो चुकी है, एक इसी से आगे हम काम शुरू करते हैं। हाँ जी, बीच में कॉल आ गई थी, इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ जस्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ PYTHON। इस वक्त पाइथन की कई चीज़ें ओपन हो चुकी हैं हमारे पास, जिसमें जो हमारे काम काम की चीज़ें हैं, एक तो इसमें IDLE हमें देखना है, पाइथन मॉड्यूल क्या होता है इसको थोड़ी जानेंगे, और पाइथन डायरेक्ट खोलने से भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस वक्त पाइथन ओपन हो चुका है। जैसे कि मैं कहता हूँ 3+3 एंटर का बटन प्रेस किया, मेरे सामने 6 आंसर आ चुके हैं, इसका मतलब कि पाइथन अपने पास काम कर रहा है। तो बाकी ये वाली सीरीज़ को बिल्कुल आसान करके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को कवर करूँगा। पाइथन काम में भी शुरू होने में थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली वर्क होने में भी एक दो वीडियो लग जाएँ, लेकिन जो उससे पहले बातें होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो आपके लिए बेतहाशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनको अच्छे से आप लोग काइंडली समझिएगा जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ चुकी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कमेंट्स करने ही हैं तो काइंडली सिर्फ इतना कमेंट्स कीजिएगा कि पाइथन आसान है। इसके अलावा कोई कमेंट्स ना कीजिएगा कि अच्छी वीडियो बुरी वीडियो, बुरी है तो आप कह सकते हैं, अगर कमेंट्स करने का दिल करे तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा पाइथन आसान है, क्योंकि मुझे आपके लिए आसान करके इसे सिखाने लगा हूँ, और हर वीडियो में कमेंट्स यही किया कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।